सदियों, सभ्यताओं, संस्कृतियों और इतिहासों के बीच से गुजरते हुए कहानी ने जो जो रूप अख्तियार किए, यदि उन्हें मानव विकास से संबद्ध किया जाए तो सहज ही पता लगेगा कि आदमी के लौकिक अस्तित्व और पारलौकिक आकांक्षाओं को मूलतः कहानी ने ही वाणी दी है। यदि इन कहानियों को सभ्यताओं के नीचे से हटा लिया जाए तो सभ्यताएं भर भराकर ढह जाएंगी। आदिम मानव सभ्यता की पहली काव्य कथा महागाथा गिलगमेश की केंद्रीय चिंता है कि मानव जाति मृत्यु से कैसे मुक्ति पा सकती है। नायक गिलगमेश इसी चिंता में है और अमरता प्राप्त जीव सुद्धू से बताता है। ये अमरता मिलती है एक औषध पौधे से जो उगता है समुद्र तल में। उसके कांटे तेरे हाथों में चुभेंगे गुलाब की तरह, फिर भी पा ले अगर तू उसे तो जीवन अमरता पा लेगा। और तब गिलगमेश अंधेरे समुद्र तल में उतरता जाता है। पैरों में पत्थर बांधकर और औषध लेकर जब ऊपर चलता है तो पत्थरों की रस्सियां काटकर भार मुक्त होता है। वो बेहद थका हुआ है। जीवन औषध को वो एक सरोवर के तट पर रख देता है जरा स्नान करने के लिए, कि तभी सर्प उस औषध की गंध पा लेता है और उसे लेकर भाग जाता है। अपने प्रयत्नों की इस निरर्थक परिणति से शुभ्ध होकर गिलगमेश रोने लगता है। और शायद तभी से मृत्यु के लिए जन्मा मनुष्य अपने हर प्रयत्न को अंततः निरर्थक पाकर फिर प्रयत्न करता रहा है। हर बार कोई सर्प वो औषध लेकर भाग जाता है। सदियां आई और बीत गई, सभ्यताएं जन्मी और मिट गई, पर मृत्यु की यही केंद्रीय चिंता चिरंतन बनी रही, क्योंकि जब जब मानव मेधा ने औषध खोजी तब तब सर्प उसे लेकर भाग गया। किलाक्षरों की मृतिका पट्टों पर खुदी ये महान गाथा अब तक प्राप्त प्राचीनतम साहित्य में सबसे पुरानी है। इस कथा का घटना क्षेत्र दजला फरात नदियों का दक्षिणी भाग है। मनुष्य नदियों के ऊपरी हिस्से में रहते थे और जो देवता हो जाते थे या थे वे नदियों के मुहानों पर रहते थे। इस कथा का घटनाकाल कुछ विद्वान 8000 ईसा पूर्व तक ले जाते हैं और मानते हैं कि कई सदियों बाद 3000 से 2000 ईसा पूर्व में ये लिपिबद्ध की गई। असल में आदिम मानव का क्रीड़ांगन ही मध्य एशिया था। यहाँ अनेक सभ्यताओं, संस्कृतियों और इतिहासों ने जन्म लिया। कई बड़े धर्म यहीं से शुरू हुए। मानवता की जहां ये पहली गाथा जन्मी वो क्षेत्र सभ्यताओं की उर्वर भूमि रहा है। प्राचीनतम आर्य, मिस्त्री, सुमेरी, असीरी, बेबीलोनी, हिब्रू, हित्ती, यूनानी, रोमन सभ्यताएं भूमध्य सागर के चारों ओर ही थी। जैसे ये सागर फूल का बीज पिंड रहा हो और ये सभ्यताएं फूल की पत्तियां। प्राचीनतम आर्य सभ्यता भारतीय से पहले भी इस क्षेत्र की उपज है। जहां इतनी सभ्यताएं जन्मी वहां कहानी न जन्मी हो, ये कैसे संभव है? शिलालेख, अभिलेख, पट्टिका लेख, नरकुल पट, पेपिरस, मृत्तिका पट, चर्म पट, धातु पट आदि जितने भी लेखन को जीवित रख सकने वाले साधन थे, उन पर या तो घटनाएं खुदी हैं या आदेश, नियम, सूचनाएं, विजय विवरण, संधियां, सीमांकन, प्रशस्तियां, आज्ञाएं, वृतांत आदि। ये सही है कि इनमें कहानियां नहीं है, पर कहानी के प्राचीनतम अवशेष यही है, क्योंकि इनमें विवरण ही प्रमुख है। सार्थक और सामयिक विवरण, वे विवरण जिन्हें मनुष्य ने सुरक्षित रखना चाहा है, आगे आने वाली सदियों को सुनाना चाहा है। आदिम युग में विशुद्ध काव्य की कृतियां भी प्रमुख नहीं है, अगर है भी तो गेय गाथाएं। वे चाहे सुमेरी हो, मिस्त्री, असीरी, बेबीलोनी, हित्ती या आर्य, या फिर मिलते हैं मिस्त्री राज वृत्तांत, कीट सभ्यता, यूनानी के अनुव्रत या यूनानी संवाद कथाएं, मिस्त्री संवाद कथाएं सबसे प्राचीन है, या आर्य गेय कथाएं या चीनी गद्य काव्य,
या बेबीलोनी लोक गाथाएं, या हित्ती चरित, या गान मधुर गद्य, या फिर आर्य नीति कथाएं, या हिब्रू कहानियों, कहावतों के पीछे निश्चय ही उनके सार्थक घटना संदर्भ है, या सभी सभ्यताओं में समान रूप से प्राप्त प्रसंग। लोकोत्तर शक्तियों से भरा हुआ ये पूरा पुरातन संसार कथाओं के सहारे खड़ा है, यानी जहां कविता ने लौकिक को भी बहुत हद तक पारलौकिक बनाया, वहां पारलौकिकता को लौकिकता की आधार भूमि देने में कथा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई सभ्यताएं तो ऐसी है कि उनके नीचे से यदि वृत्तांतों की धरोहर खींच ली जाए तो वे भर भराकर गिर पड़ेंगी। पुरातन संसार देवी देवताओं, अर्ध देवों, शक्तिमान असुरों, मंत्र शक्ति युक्त नर नारायणों और अलौकिक पक्षियों से भरा हुआ है। जादू, रहस्य, मंत्र, शाप, वरदान, कर्सेज, आशीर्वादों और चमत्कारों से भरी इन सभ्यताओं में देवता, देवी, नरसिंह, गरुड़, सर्प, सूर्य, इंद्र, वज्र, वायु, नदी, हाथी, शेर, शुकर, पर्वत, जंगल, सरोवर, स्त्री, पुरुष, चीटी, खरगोश सब मौजूद है और सब एक साथ सृष्टि को संभाले हुए हैं। चाहे वो भ्रत कथा का लोह जंग हो या बेबीलोनी कथा का एतना, दोनों ही गरुड़ को इस्तेमाल करते हैं। एक पैशाची भाषा की कथा का भारतीय पात्र है और दूसरा अक्कादी पुराणों का एक कथा पात्र। लेकिन इस पूरे पुरातन संसार में जो कथाएं भी प्रचलित हुई वे इस बात का प्रमाण निश्चय ही देती है कि सारी संस्कृतियों का मूल स्रोत एक ही रहा है, जिसका सबसे सबल प्रमाण है जल प्रलय की वे कथाएं जो सब में समान है चीनी को छोड़कर, वे चाहे जीव सुद्धु हो या मनु या हजरत नूह। मानव गाथा का उद्धव और मूलभूत प्रश्नों का सिलसिला, जहां हमारा प्रथम पूर्व पुरुष अब तक ज्ञात गिलगमेश मृत्यु से मुक्ति के लिए छटपटा रहा है, वही जल प्रलय की सृष्टि कथाएं मृत्यु के बाद जीवन की कामना से ओतप्रोत है, यानी फिर वही मृत्यु पर हावी रह सकने का प्रयास, वही मनु या मनुष्य हर संकट और संहार के बाद इस सृष्टि को अब तक बचाता आया है, चाहे उसे आदेश दैवी शक्तियों से मिलते रहे हो, पर हर युग और हर सभ्यता के नायक ने मनुष्योचित प्रश्न ही पूछे हैं, चाहे वो गिलगमेश हो या प्रमथ्यु या स्वर्ग से अमृत का घड़ा लाने वाले गरुड़ या ययाति या एतना जो जन्म की व्याख्या करना चाहता है, या अत्पा जो मृत्यु की खोज में व्यस्त है, या युडीत या फिर चीनी जल प्रलय का नायक जो नितांत लौकिक भौतिक है और कहता है कि इस जल प्लावन को मैंने संयमित किया, अन्न पैदा करना मैंने बताया। यूं देखने पर आज के संदर्भों में इन गाथाओं की मुद्राएं शायद कुछ सतही लगे, पर इनमें उठाए गए मूलभूत प्रश्नों का एक अटूट सिलसिला आज तक चला आ रहा है। वेद व्यास, होमर, एरिस्टोफेंस, ईसप, गुणाढ्य, ओविड, पेट्रोनियस, लूसियन, शेख सादी से होता हुआ डॉन जुआन मैनुअल, चौसर, बोकेशियो और पोगियो तक, और उसके बाद वोल्टेयर, गोगोल, फ्लॉम्बेयर, जोला, दास्तोवस्की से होता हुआ चेखव, काफ्का, प्रेमचंद, गोर्की, लूसुन और फिर सात्र, जेम्स, जॉयस, कामू, ओ कूनर, हेमिंग्वे, बेकेट से मंटो तक, कथा संक्रमण और आदिम संस्कृतियों की अनुगूंज। ये लंबी वैचारिक कथा यात्रा इतनी विचित्र सभ्यताओं, संस्कृतियों और इतिहासों के दौर से गुजरी है कि देखकर चमत्कृत रह जाना पड़ता है। इन्हीं युगों ने आदिम कहानियां दी है। अक्कादी, सुमेरी, आसुरी, बेबीलोनी, 3000 ईसा पूर्व से भी पहले सभ्यता ने अदम्य शौर्य और मनुष्य की जीजी विषा की काव्य कथाएं दी है। तो प्राचीन सूर्योपासक मिस्र 3000 ईसा पूर्व से भी पहले ने दिए हैं वृत्तांत, चरित और फंतासी, नौवी प्लूप मांझी की कहानी,
यज्ञ परक आर्यों 3000 ईसा पूर्व ने दिए हैं छंदबद्ध आख्यान और संवाद कथाएं। चीनी सभ्यता 2000 ईसा पूर्व हमें देती है गद्य काव्य, छंदबद्ध उपन्यास और व्रत पतझड़ और वसंत के। हित्ती सभ्यता तुर्की में आर्य वंशजों की सभ्यता 2800 ईसा पूर्व ने इंद्र, वरुण, मित्र आदि ऋग्वेदिक देवताओं को साक्षी बनाकर दिए हैं राजवृत्त, आख्यान और पत्र कथाएं। एक पत्र कथा तो बहुत दिलचस्प है कि राजा शुप्पी लूली उमाश को मिस्र की महारानी ने लिखा है पत्र द्वारा कि हित्ती राजा अपने एक पुत्र को उसका पति बनने के लिए भेज दे। कुछ समय बाद राजा ने एक पुत्र भेजा जिसे मिस्त्रियों ने मार डाला, जर्मन पुराविद हुआंगो विकलर के अनुसार। इधर आर्य सभ्यता में राम कथा और कृष्ण कथा इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है धार्मिक या अन्य कारणों से। वैदिक देवताओं को अपदस्थ करके वे नए नए देवता गढ़ देती हैं। ग्रीक सभ्यता 1000 ईसा पूर्व में आती है गडरिये की गेय गाथाएं, जो क्रीट सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से सीधी चली आ रही है। कोरस विवरण, संवाद वृत्त, नाटकों की कथाएं, व्याख्यान और इतिहास कथाएं हेरोडोटस की। हिब्रू या इब्राकी सभ्यता 1000 ईसा पूर्व ने व्रतों त्योहारों के जो नियम बनाए उनमें विश्वास पैदा करने के लिए कथाएं गढ़ी और बाइबल को अपनी सशक्त लोक कथा परंपरा दी। तभी भारत में गुणाढ्य की बृहत कथा आती है और भारतीय आर्य प्रतिभा कहानियों का पहला विशुद्ध रूप प्रस्तुत करती है। हितोपदेश डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल यद्यपि हितोपदेश को पंचतंत्र से प्रभावित मानते हैं और बहुत बात का और विष्णु शर्मा कृत पंचतंत्र ये आर्यों की लौकिक कथाएं हैं और बहुत मुमकिन है कि इनकी मौखिक धारा बहुत पहले से चली आ रही हो। भारत विश्व का पहला कथापीठ। पंचतंत्र और हितोपदेश में ऐसी नीति कथाएं हैं जो भारत ही नहीं विश्व भर को आप्लावित कर देती हैं और निश्चित रूप से विश्व का पहला कथापीठ भारत बन जाता है। भारतीय कथापीठ को और महिमा मिलती है जैन आगम कथाओं से, जातकों से, थैरी गाथाओं से। यहीं से इस महान कथापीठ की पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं में कथा संस्कृति फैलने लगती है। पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा संस्कृति फैलती है भूमध्य सागर से उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, इटली, ग्रीस और सारे मध्य यूरोप में, और जातकों की कथा संस्कृति पूरब में चीन, जापान, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया तक फैल जाती है। यहाँ तक कि धर्म को लेकर भी कथाएं पेश की जाती है। वैसे गुणाढ्य की लौकिक कहानियां बृहत कथा बहुत प्राचीन है, पर वे पैशाची भाषा में होने के कारण अंधकार में रही। और उधर भूमध्य सागर के पास की सभ्यताओं में होरिस, ओविड और दांते लातिनी उदित होते हैं कवियों के रूप में, जो बाद में कथाकारों के लिए प्रेरणा सिद्ध होते हैं। यहाँ तक आते आते हम ईसवी सदी के उदय काल तक आ पहुँचते हैं। पहली सदी में यूरोप अपना पहला समर्थ कहानीकार पैदा करता है पेट्रोनियस। ये पुलियस भी इसी समय लिखना शुरू करता है, पर कहानी के फॉर्म के लिए पेट्रोनियस और संक्षिप्तता के लिए मार्शल को स्वीकार करना जरूरी हो जाता है। पेट्रोनियस की प्रतिभा ने अपने समय में व्याप्त छद्म को उजागर किया और स्थापित वर्जनाओं, कुंठाओं को लेकर बड़ी सशक्त पर पुरमजाक कहानियां लिखी। इसी सदी के जोवेनेल को पहला व्यंगकार और सेनेका को त्रासदीकार के रूप में ख्याति मिली। पहली सदी समाप्त होते होते पश्चिमी कहानी की दाग बेल इन लेखकों ने डाल दी थी। इन प्रख्यात प्रतिभाओं के बाद लगभग 10 सदियों तक भारतीय कथा संस्कृति का प्रचार प्रसार मध्य एशिया से होता हुआ यूरोप तक होता रहा। जिस अमृत को प्रथम पूर्व पुरुष गिलगमेश ने खो दिया था
उसे ईरानी सम्राट खुसरो के राज वैद्य और मंत्री बुजुर्गे ने फिर खोज लिया और कहा कि पंचतंत्र नामक ग्रंथ ही अमृत है। वो सचमुच भारत में संजीवनी खोजते हुए आया था और पंचतंत्र को लेकर गया था। 550 ईसा पूर्व हिब्रू तालमूद की बोध कथाओं के साथ साथ लोक कथाओं की एक सशक्त धारा भी इन सदियों में बह रही थी। चीनी कथाओं की विचित्र दुनिया भी उद्घाटित हो रही थी। जापान में राजघरानों की विलास कथाएं लिखी जा रही थी और पंचतंत्र के अनुवाद पहलवी भाषा से होकर मध्य एशिया, अरब देशों, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक पहुंचते हैं। दूसरी ओर यूनानी अनुवाद होता है जो रूस, जर्मनी होता हुआ यूरोप में फैलता है और इंग्लैंड में शेक्सपियर के उदय से पहले भारतीय प्रतिभा की ये देन स्थापित हो जाती है। 10 सदियों तक निरंतर भारतीय कथापीठ अपनी कथा संस्कृति फैलाता रहा। अरबी कथाएं इनसे प्रभावित या प्रेरित हुई। इसका प्रमाण इतना ही काफी है कि अरबों ने हाथी, मोर, सियार और शेर जैसे जानवरों का परिचय भारतीय कथाओं से ही प्राप्त किया, जो वहां की कथाओं में बार बार आते हैं पर वहां पाए नहीं जाते थे। और 12वीं सदी तक आते आते इस कथा संस्कृति की संजीवनी को विदेशी आक्रमणों के नाग ने चुरा लिया। 13वीं सदी में स्पेन ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिभा को जन्म दिया, डॉक्टर जुआन मैनुअल। मैनुअल की रचनाओं का प्रेरणा स्रोत भी भारतीय कहानियां ही रही, पर उसने साथ ही उस दृष्टि को भी जन्म दिया जो अगली सदियों की कहानी को एक सशक्त साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित कर सकी। धर्म, रोमांस, राजनीति के दायरे और कहानी कला का विकास। मध्यकालीन युगों 13वीं से 16वीं सदी में मठों और सामाजिक मूल्यों वाले समाज का भयंकर संघर्ष चला। धर्म सत्ता को तब कहानी ने ही छीलना शुरू किया और इटली ने बोकेशियो पैदा किया। पोगियो और स्ट्रैपरोला भी इसी समय आए और उधर चौसर ने इसे समृद्ध किया अपनी काव्य कथाओं द्वारा। उस समय धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था रोम और वही कहानीकारों ने मनुष्य की स्वतंत्रता, धर्म के लिए अपने प्रतिवाद अंकित किए। धार्मिक असहिष्णुता, कर्मकांड, जड़ता और पाखंड को उद्घाटित करने में इस युग की कथाओं ने योगदान दिया। उधर फ्रांस में 16वीं सदी प्रारंभ, तभी रोमांटिक युग की शुरुआत हुई और मार्गराइट नेवेयर की रानी ने अद्भुत रोमांटिक कथाओं की सृष्टि की। 16वीं और 17वीं सदी में एक और प्रयाण हुआ। ये सदियां राजनीतिक हलचल, दिशा भ्रम, मोह भंग और राजनीतिक सत्ता की बेहुदी संस्कृति की रही, जिसने सर्वांटीज जैसा कथाकार पैदा किया, जिसने राजनीति के पाखंड को उधेड़ कर रख दिया। सर्वांटीज के युग की परिस्थितियों का सामने आज स्वयं अपने देश में देखा जा सकता है, परसाई और शरद जोशी के लेखन के रूप में। डॉन क्विक जोट जैसा कथानायक अपने युग की विसंगति और पाखंड को निचोड़कर सामने रख देता है। 18वीं सदी औद्योगिक क्रांति की सदी है और यहीं से आधुनिक उपन्यास की शुरुआत फील्डिंग और रिचार्डसन द्वारा होती है। रिचार्डसन को पहला उपन्यासकार होने का गौरव प्राप्त है और ये सीधे सीधे फ्रांस की रोमांटिक धारा, मार्गराइट और अन्य से प्रभावित होकर पामेला और 4000 पृष्ठों का क्लैरिसा हार्लो लिखता है। पत्र शैली में ये उपन्यास बरसों लिखा जाता रहा। ये उपन्यास रोमांटिक और गल दश्रु भावुकता की बेजोड़ मिसाल है, जिसे क्लैरिसा हार्लो लिखते लिखते स्वयं रिचार्डसन रोता जाता था। बुल दुंग्स रोमा, खंडित होती हुई कहानी और अखंडित नायक की वापसी। फील्डिंग के उपन्यास ज्यादा प्रौढ़ और चिंतन से युक्त साहसी कथानकों के थे। फील्डिंग की धारा का विकास जर्मनी, हरमन हेस और बाद में मार्क ट्वेन द्वारा अमेरिका में हुआ। जर्मनी में तो एक नई विधा को ही जन्म दे दिया गया, जिसे बुल दुंग्स रोमा कहा गया। बुल दुंग्स रोमा में कहानी चाहे खंडित होती रही पर नायक हमेशा अखंडित वापस आया। मार्क ट्वेन
जिसने इस धारा को सबसे ज्यादा समृद्ध किया और अमेरिका में कथा साहित्य की सही दागबेल डाली का उपन्यास हकलबेरी फिन इस धारा का अद्भुत नमूना है। यहाँ मूल्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, आदमी भी महत्वपूर्ण है, पर कहानी उतनी नहीं। ये उपन्यास अनुभव की खोज यात्राएं हैं और 19वीं सदी में कथा क्षेत्र में तीन महानतम प्रतिभाएं आती हैं, गोगोल, बालजक और पो। एक रूस में, दूसरा फ्रांस में, तीसरा अमेरिका में जन्मा। अनुभव की खोज यात्रा के पड़ाव पर ये तीनों कथाकार मिलते हैं। गोगोल अनुभव को युगीन यथार्थ से जोड़ देता है, बालजक यथार्थ के अंधेरे को चीरता हुआ अप्रिय यथार्थ की परतों तक पहुंचता है और पो आंतरिक रोमांस की ओर मुड़ जाता है। इतना साफ जाहिर है कि इन कथाकारों के लिए पाठकों की कतई कमी नहीं थी, क्योंकि पूरे यूरोप में पाठकों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि हो रही थी। रिचार्डसन, फील्डिंग और उनके बाद के उपन्यासकारों तथा 19वीं सदी के आरंभ के कथा लेखकों ने धारावाहिक उपन्यासों से बाजारों को इस तरह भर दिया था कि इन्हें न पढ़ना असभ्य रह जाना माना जाने लगा था। और फिर विश्व कथा क्षितिज पर तीन चमकदार नाम नक्षत्रों की तरह उभर कर आते हैं। गोगोल पहला यथार्थवादी है जो सामंती युग की समाप्ति की रचनात्मक घोषणा करके अपने समय के प्रति प्रतिश्रुत होता है और यथार्थ से भी परे यथार्थ को देखता है। बालजक धूमकेतु की तरह जलता और जलाता चला गया। पो में इन दोनों से ज्यादा कल्पनाशीलता तो थी, पर उसकी दुनिया विक्षिप्तता, भय, नाटकीयता और आकस्मिकताओं से भर गई, जो बाद की सदी में जासूसी दुनिया की पीठिका बन गई। और आधुनिक युग में तीन कथापीठ स्थापित हुए, रूस, अमेरिका और फ्रांस। सदियों से फ्रांस वैचारिक विकास को उसी तरह रेखांकित करता रहा था जैसे खगोल शास्त्री नक्षत्रों को परखता रहता है। फ्रांस की प्रतिभा ने कहानी के पीछे छिपे विचार तत्व को सबसे पहले अन्वेषित किया, क्योंकि फ्रांस की बौद्धिक जनता विचारों के इतिहास के प्रति हमेशा जागरूक रही है। कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर, सार्वजनिक विधा और यथार्थवाद के स्वर्णिम युग का प्रारंभ। इसीलिए तीनों कथापीठों का महापीठ फ्रांस बन जाता है, जिसमें फ्लोबेयर, तोल्स्तॉय और तुर्गनेव आकर मिलते हैं और यथार्थवाद का स्वर्णिम युग शुरू होता है। इसी समय संक्षिप्तीकरण या शब्द बहुलता से रक्षा एक साहित्यिक आवश्यकता बन जाती है और कहानी अपने विशुद्ध फॉर्म को प्राप्त करती है, वही जिसका प्रयास पेट्रोनियस और मार्शल ने पहली सदी में किया था। फ्लाबेयर जैसा उपन्यासकार भी कहानी की नुकीली और तेज विधा को एक निकष के रूप में अपनाता है और गोगोल की कलात्मक कमियों को कहानी में पूरा कर देता है। फ्रांस के कथापीठ की स्थापना से कहानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक विधा के रूप में स्वीकृति पाती है, जहां पूर्वी और पश्चिमी कथा धाराएं आकर मिल जाती है। ये कार्य रूस के गोगोल के यथार्थवाद और तुर्गनेव की नाजुक रचनाओं ने किया। उपन्यास साहित्य के लिए तब भी रूस की ओर ही देखा जा रहा था, क्योंकि तोल्स्तॉय और दास्तोवस्की विश्लेषक की गरुड़ दृष्टि और कृतिकार की संवेदना से अपने समय को रच रहे थे। ये उनके आत्मोद्धाटन का युग था। तभी मोपासा ने प्रकृतवाद को अपनाया और कहा, मेरे पात्र जो कुछ कह रहे हैं वो उनका अपना है, उनके कुछ भी करने से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं केवल उन्हें जैसे वे हैं सामने रख देता हूँ। मोपासा की कहानियां उसके वक्तव्य को बहुत हद तक गलत कर देती है, पर उसका वक्तव्य ओ हेनरी जैसी प्रतिभा को महान नरेटर के रूप में भी बनाता है और गर्त में भी गिरा देता है। ओ हेनरी तो अपने वक्तव्य में यहां तक चला जाता है, कहानी को रुमाल में ऐसे बांधो कि वो मूर्खों को नजर ना आए। अंतपूर्ण कहानियों का अपनी तरह का ये अकेला लेखक ओ हेनरी शायद पहला लेखक है जिसे लोकप्रिय कहानी का जनक माना जा सकता है,
आज भी अमेरिका तथा अन्य देशों की कहानियों की विपुल लोकप्रिय धारा उसी के फॉर्मूले पर जी रही है। डी एच लॉरेंस की महत्ता कहानीकार के रूप में अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसकी कहानियां कलात्मक संक्षिप्तता का नमूना बन गई है। मोपासा ने गोगोल, फ्लॉबेयर, जोला, तुर्गनेव और तोल्स्टॉय की धारा को अवरुद्ध कर दिया और कहानी को लेकर वो व्यावसायिक लेखन की सीमा तक भी पहुंच गया, जहां से सत्य के अन्वेषण या आत्मोद्घाटन की विश्लेषणात्मक दृष्टि धुंधली होने लगी। उधर दास्तोवस्की ने जर्मन, ऑस्ट्रियन और चेक कथाकारों को प्रभावित किया और चेखव ने फिर कहानी को कहानी की कलात्मकता प्रदान की। यदि चेखव ना होता तो शायद कहानी एक कला विधा के रूप में जीवित न रह पाई होती। यानी कहानी का आंतरिक गंभीर वैचारिक पक्ष और ऊपरी संवेदनात्मक प्रतीति खो गई, पर तभी इसे तीन कथाकारों ने और भी संभाल लिया, गोर्की, प्रेमचंद और लूसुन ने। गोर्की ने सर्वहारा को उठा लिया तो प्रेमचंद ने कहानी को समय की सार्थकता दी और भारतीय मध्य तथा निम्न वर्ग, विशेषतः ग्राम समाज के स्रोत से जोड़ दिया। प्रेमचंद ने वही काम किया जो गोगोल ने रूस में किया था। शरत और प्रेमचंद ने गोगोल और तुर्गनेव की तरह जीवन और सार्थक चिंताओं से कथा को जोड़कर इस महाद्वीप में मानवीय तलाश की नींव रख दी। और उधर गोगोल, चेखव की वो धारा तब फ्रांस से सूख कर जैसे आयरलैंड में जा निकलती है। मोटे रूप में ब्रूम्सबरी स्कूल के नाम से जो निकाय जाना जाता है, उसने कहानी की रक्षा की। इसमें लॉरेंस भी है और जेम्स जॉयस भी। व्यक्ति की सत्ता में इस समय आमूल परिवर्तन होता है। वो एक आर्थिक राजनीतिक इकाई बन जाता है और दो महायुद्धों से ध्वस्त यूरोप के ध्वंसावशेषों को देखता है। व्यक्ति और भीड़ के अस्तित्व का संघर्ष अभी जारी है। अरस्तु और सुकरात की धारणाएं व्यर्थ हो जाती हैं। उधर अर्थ पुरुष को मार्क्स जन्म देते हैं और फ्रायड घोषणा करते हैं कि वे मस्तिष्क को निकालकर मक्खन की तरह मेज पर सजा देंगे, यानी उसकी गुहातम क्रियाओं को सरल करके रख देंगे। और यूरोप का व्यक्ति देखता है कि कुछ भी नहीं हुआ। पागल खानों में फ्रायड के मरीज बढ़ गए, अर्थ पुरुष भीड़ में परिवर्तित हो गया और सदियों के जीवंत प्रश्नों के उत्तर में महायुद्ध मिले। रिश्ते डावाडोल हो गए और आंतरिक की जगह बाह्य यथार्थ महत्वपूर्ण होता गया। यथार्थ के पार देखने वाला यथार्थ मृत हो गया। बाह्य दुनिया के सामने व्यक्ति की अपनी सत्ता विघटित होती गई। एक ने आदमी नहीं भीड़ को स्वीकारा, दूसरे ने व्यक्ति के नाम पर संस्थान यंत्र को ही व्यक्ति की संज्ञा दी। यानी दोनों ने व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति को ही अस्वीकार कर दिया। अन्वेषक, आत्मोद्घाटक, यथार्थ से परे यथार्थ को देखने वाले व्यक्ति की हत्या हो गई। अतः वो व्यक्ति जो अपने समय में शामिल था, जो कुछ लेना और देना चाहता था, वो देने के लिए मुक्त नहीं रहा, पर लेने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया और वो उस पर लाद भी दिया गया। इसी बिंदु पर विचारशील प्रतिभा ने अपनी पहचान या आत्मबोध का सवाल उठाया कि व्यक्ति अपने को पहले जरा पहचान तो ले। यही तो दास्तोवस्की की सोच के बीज ने अंकुए फोड़े। कीरकेगार्द, काफ्का, सात्र और कामू ने प्रश्न उठाए। सात्र ने कहा, जब तक मुझे ये न मालूम हो कि मेरे मैं का वो कौन सा हिस्सा है जो मुझे व्यक्त करता है, तब तक मैं कुछ भी कैसे कर पाऊंगा। मुझे जब अपनी ही सत्ता नहीं मालूम कि वो कहां कहां, कब कब और किन किन स्थितियों में पिघल कर मिट गई है, तो व्यक्तिगत स्तर पर मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। अतः सबसे पहले आत्म की तलाश का सवाल है। और आत्म की तलाश में सार्त्र ने पाया कि व्यक्तित्व का थोड़ा सा हिस्सा आइसबर्ग की तरह डूबने से बचा हुआ है। डूबा हुआ समूचा व्यक्तित्व
और निरर्थक मूल्यों का अस्वीकार। इसी पर रोब ग्रिले, सारुत, बेकेट, ब्रबर, आयनेस्को और पिंटर ने पूछा, हम ये क्यों ना माने कि अब व्यक्तित्व का कोई हिस्सा डूबने से बचा ही नहीं है। कोई हिस्सा बचा हुआ है, इसका क्या सबूत सार्थ दे सके हैं? जब कुछ भी बचा ही नहीं है तो आत्मान्वेषण का प्रश्न ही नहीं उठता। चेहरे सब यक्सा हो गए हैं, अतः उन्हें पहचाना नहीं जाया जा सकता। और बेकेट ने तब अंतिम टीप लगाई, कुछ नहीं से बेहतर कुछ नहीं है, यानी सभ्यता संस्कृति के सब मूल्य निरर्थक हो गए हैं। गिलगमेश की तरह निरर्थक ताकि इस अनुभूति पर पहुंचकर, जहां सदियों के गलत निर्णयों के नाक फिर औषध को चुरा ले गए हैं, जहां दुनिया जल प्रलय से खंड प्रलय तक पहुंच चुकी है, जहां आदमी को अपने हर प्रयत्न का उत्तर नागासाकी, हिरोशिमा के कुरूप, बीभत्स, जले हुए चेहरे के रूप में घूरता है, वहां सृष्टि की कामना करते हुए कुछ शाश्वत स्वर फिर सुनाई पड़ते हैं। नए आयरिश कथा पीठ के जॉयस हेमिंग्वे, ओ कूनर, शाह ओ फ्लां और बेकेट के, जहां बेकेट का बुढ़ा क्रूप कई वर्ष पहले खुद बोले हुए अपने ही एक शब्द का अर्थ भूल जाता है और उसी शब्द का अर्थ शब्दकोश में खोज रहा है। शायद इतिहास अपने को दोहराए, पर इतना जरूर है कि इतिहास अपने को उन्हीं क्षणों में कभी नहीं दोहराएगा। और मनुष्य इतिहास की इसी विकल और आवश्यकता ने कहानी की निरंतरता को बनाए रखा है।